तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही कमाल के एक अपडेट के बारे में, जो कि बताने वाला हूँ अपने S24 के अंदर, जिसके अंदर वन UI 6.1.1 का अपडेट आ चुका है, ऑफिशियली रिलीज हो चुका है। जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले नहीं बताया था, फिलहाल ये कोरिया में अपडेट रोल आउट हो चुका था, इंडिया में आज ये रोल आउट हो चुका है। क्या इस अपडेट में है, कितने MB का अपडेट है, सारी डिटेल मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले हो सके। मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी फॉलो करें। चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि होता है, मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग S24 के वन UI 6.1 का अपडेट के बारे में। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले जाना है आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स पे। मोबाइल की सेटिंग्स जाने के बाद आपको नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर जाना है सॉफ्टवेयर अपडेट वाले ऑप्शन पे। सॉफ्टवेयर अपडेट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको इन डाउनलोड स्टोर पे चले जाना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक नया अपडेट अभी मिल रहा होगा, चेक फॉर अपडेट करेंगे। नीचे की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे नए नए फीचर्स आपको दिख रहे होंगे ऐड ऑन किए गए, और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा वन UI 6.1 का अपडेट रोल आउट हो चुका है, जिसमें एंड्रॉइड 14 है और साथ में आपको सिक्योर पेज मिलने वाला है 1 अगस्त का, और इसका जो साइज रहेगा 28 से 27 MB का ये अपडेट है। अभी आपको इसमें सिर्फ अगस्त की सिक्योरिटी अपडेट ही मिलने वाली है। अब बात करें इसमें क्या क्या नए चेंजेस हो रहे हैं, आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे नए नए चेंजेस करने वाले हैं। इसमें आप बहुत सारे आपको फीचर्स मिल जाएंगे, लेटेस्ट पूरे फीचर्स इसमें मिल जाएंगे। 3 GB का अपडेट है तो बहुत सारे नए नए फीचर्स एड ऑन किए गए, लाइक AI के अंदर जाएंगे तो टर्न आ सिंपल स्केच इनटू अवेयरनेस इमेजेस, क्रिएट यूनिक पोर्ट्रेट्स, लेट योर फोटो डू राइटिंग यूअर्स, ट्रांसलेट कॉल, बहुत सारे। ये सबकी वीडियो ऑलरेडी और इसकी सबकी वीडियो आएगी आगे, फिलहाल इसको होने देते हैं अपडेट। दोस्तों फाइनली हो चुका है ये अपडेट, आप देख सकते हैं फाइनली हो चुका है अपडेट। अब मैं इसको कर लेता हूँ नॉर्मल मोड पे, यूज हो चुका है। अब मैं आपको कुछ इसके इंटरेस्टिंग फीचर बताने वाला हूँ, जो कि आपको इसके अपडेट के बाद मिलने वाले हैं। और प्रॉपर जो AI वीडियोस होंगे ना, जो कि नए AI जो प्रॉपर AI जो फीचर्स एड ऑन किए जाएंगे, उसकी वीडियो आपको अलग से एक सेपरेट मिल जाएगी। तो फाइनली हो चुका है ऑन। ऑन करने के बाद मैं आपको ले जा रहा हूँ यहाँ पर सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे ले जाने के बाद मैं आ गया हूँ आपको डिवाइस केयर पे एंड स्टोरेज पे ले आया। तो आप यहाँ पर देखेंगे मेरे मोबाइल की अभी मेमोरी कितनी है, 76 यूज्ड है, और जब मैंने अपडेट करा था अपडेट से पहले 79 थी। तो 3 GB की स्पेस यहाँ पर कम हो चुकी है। पहला जो नया फीचर दिया गया ना, वो है सेटिंग के अंदर। अब यहाँ पर आपको गैलेक्सी AI का यहाँ पर एक सेटिंग्स मिल जाएगी, और वो आपको बता देगा कि AI जो फीचर है ना कहाँ कहाँ है और कौन कौन सी जगह वो काम कर रहे हैं। तो सारे फीचर आपको एक ही जगह दिख जाएंगे और बाद में जाके वहां वहां इसका यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो फीचर दिया गया ना, वो दिया गया। अब मेन फीचर की बात करें, वो है यहाँ पर अलग से आप एक फोटोज में एनहांस कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आ गया यहाँ पर फोटो पे, लाइक ये मेरी फोटो है। अब मुझे इसमें कुछ अलग से इफेक्ट्स डालना है, तो आपको एक अलग से यहाँ पर एक सपोर्ट मिल गया AI का, आप दिख रहे हैं ना, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, स्केच टू इमेजेस कर सकते हैं, पोर्ट्रेट स्टूडियो में जा सकते हैं। स्केच टू इमेजेस पे करेंगे तो आप नॉर्मल बनाएंगे उसको वहां पर कर सकते हैं, वो नहीं करना हमें, पोर्ट्रेट स्टूडियो में जाना है। पोर्ट्रेट स्टूडियो में जाने के बाद आपको यहाँ पर इतने सारे मोड मिल जाएंगे। आप इसको कॉमिक मोड में कर सकते हैं, लाइक कॉमिक पे क्लिक करेंगे तो कॉमिक मोड्स में आ जाएगा आपके पोर्ट्रेट इफेक्ट्स, मतलब अलग से इनहांस कर सकते हैं अपनी फोटोज को, और अच्छे से यहाँ पर आप डिजाइन कर सकते हैं। तो ये देख रहे हैं कॉमिक मोड में ऐसा दिख रहा है वो, आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको पूरा बता देगा कि 5 तरीके से आपको टिप बताएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप उसको हटा कर सकते हैं और जनरेट अगेन कर सकते हैं। ऐसे ही 3D में जाएंगे तो अपने फेस को आपको टैप कर देना है और उसको वहां पर क्लिक कर देना है, तो वो आपके आइकन जो भी आपकी फोटो है ना उससे मिलता जुलता एक आपको वहां पर 3D इमेज बन के बता के बता देगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरीके से कुछ वो आपको बता रहा है आपकी 3D इमेज कैसी हो सकती है, वो आपको यहाँ पर सजेस्ट करके बता रहा है। आपको जोन से भी अच्छी लगे उस पर क्लिक कर दो और उसको डाउनलोड कर सकते हैं, लाइक मुझे ये लग रहा है मैंने उस पर क्लिक करा, वो डाउनलोड हो जाएगी और आप उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वाटर कलर भी मिल जाएगा और स्केच का भी सपोर्ट मिल जाएगा। स्केच में चाहते हैं तो स्केच से रिलेटेड भी आप अपने अपने फोटोज को यहाँ पर लोग डाल सकते हैं, आप देख रहे हैं सेम उसी रिलेटेड उसने आपको फोटोज बता दिए, मिलते जुलते आपके फोटो यहाँ पर उसने खुद ही आपको यहाँ पर बता दिया। अब बात करें सेकंड नए फीचर की, वो भी इसी के अंदर। तो उसके लिए आपको अपनी फोटो में चले आना है और उसको ऊपर की तरफ स्वैप कर लेना है। यहाँ पर आपको एक नया ऑप्शन मिल जाएगा लाइफ इफेक्ट करके, जो कि पहले नहीं आता था, अब आपको मिल रहा है, आपको उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद वो एडिंग अ लाइफ इफेक्ट डालेगा आपकी फोटो के अंदर, और जिससे आप अपनी फोटो को बहुत ही अच्छे से और यूनिक कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे पीछे बैकग्राउंड आपको हिलता हुआ दिख रहा है, आप देख रहे हैं कितना शानदार तरीके से ये फोटो को क्रिएट करा, बहुत ही शानदार। आप इसको सेव कर सकते हैं या शेयर भी करना चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं, लाइक मैंने इसको सेव कर दिया तो ये मेरी एक वीडियो के फॉर्म में एड ऑन हो जाएगी, और जिसको मैं कहीं भी यूज करना चाहूँ तो यूज कर सकता हूँ।
ये आप देखेंगे अभी मेरी वीडियो के रूप में आ गया, मैं कहीं भी इसको शेयर करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। क्वालिटी में भी ऐसा कोई अंतर नहीं है, आप देख रहे हैं पूरी तरीके से आपको यहाँ पर ये दिख रहा है। इसके बाद नेक्स्ट फीचर बताऊँ वो है कॉलिंग को लेकर। तो यहाँ पर आप जाएंगे कॉल में, यहाँ जाने के बाद आपको जाना है यहाँ सेटिंग्स पे। सेटिंग्स में आपको डॉट करके खुद ही बता रहा है कि नया फीचर ऐड ऑन किया गया है। यहाँ जाएंगे आंसर एंटरिंग पे, तो यहाँ पर आपको एक नया फीचर मिल रहा है स्वाइप टू टैप। अगर आप कोई कॉल उठाते हैं तो आपको स्वाइप करना पड़ता है, अगर आप वो फीचर नहीं चाहते तो आप टैप पे क्लिक कर देंगे तो आप डायरेक्टली टैप करके फोटो अपने आंसर दे सकते हैं या कॉल को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। और एक और फीचर ऐड ऑन कर दिया गया है आंसर यूजिंग स्पीकर। तो आप क्या करेंगे, मान लो अगर आपके पास कोई भी मोबाइल में हेडफोन कनेक्टेड नहीं है तो आप इस फीचर का यूज कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर कॉल को उठाएंगे ऑटोमेटिक वो स्पीकर मोड पे चले जाएगा और आपको बार बार उसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ज्यादा स्पीकर में बात करते हैं तो आपके लिए ये वाला फीचर काफी अच्छा है। तो फिलहाल भाई जल्दी से वीडियो बनानी है मुझे, क्योंकि वीडियो अपलोड करनी है, टाइम ज्यादा हो गया। तो मैं भी दो तीन फीचर्स ही बताया आपको हाईलाइटेड। इसके बाद जो पूरे फीचर्स की एक लिस्ट आएगी, फिलहाल एक एआई की वीडियो आने वाली है अभी नेक्स्ट, उसके बाद सारे फीचर्स की आपको लिस्ट मिल जाएगी धीरे धीरे। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे नहीं अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें। अगर आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मुझे डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पे डीएम करके भी पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी फॉलो कर लेना। तो थैंक यू सो मच।